आज हमारा जो जोन 360 का उद्घाटन है बांद्रा में, माननीय मंत्री महोदय जी आने वाले, डिप्टी सीएम जी जैसे आप जानते हैं, उसी के साथ में बाकी के भी कुछ बॉलीवुड स्टार्स भी आने वाले हैं। आप फिर कुछ पूछना चाहे तो प्लीज़ पूछिए। मतलब जिम की बात की जाए तो क्या स्पेशल है, हमने देखा 360 डिग्री व्यू है, इक्विपमेंट्स बहुत लेटेस्ट है, जो बांद्रा या बॉम्बे में किसी भी जिम में देखने को नहीं मिलता। बेसिकली इस जिम की खासियत तो हर चीज़ में है, इंटीरियर से लेके फिटनेस ट्रेनिंग से लेके इक्विपमेंट से लेके वॉट एवर सर्विसेज हम जो दे रहे हैं, हर कुछ में एक बदलाव, एक नयापन, एक क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं वैसे। फॉर एग्जांपल हमारे जो इक्विपमेंट है ये अमेरिका में ही गए साल में लॉन्च हुए गए हैं, तो और इंडिया में फर्स्ट जिम है ये जहाँ पे ये इक्विपमेंट लगे हुए हैं।
सेकेंडली फॉर एग्जाम्पल जो फिटनेस ट्रेनिंग भी जो है, अभी आज ही हमारी एक यू नो वी हैव गॉट वन, अपने एक वैसना जेकब जी है जो अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आएंगी, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो यूरोप की मिलिट्री को ट्रेन करती थी, उन्होंने आज हमारे ट्रेनर्स को यहाँ पे पर्सनली ट्रेन किया, आज भी करेंगी, कल भी करेंगी, तो एक ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम भी रखा गया है। एट द सेम टाइम खाली व्यू भी 360 डिग्री नहीं है, बट हमने टोटल हेल्थ 360 डिग्री कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं किसी का, उस प्रकार से हमने यहाँ पे सारी सुविधाएं प्रोवाइड की है। वैसे तो मैं अपने आप को पाइनियर नहीं समझता हूँ, बट हाँ एक चीज़ हूँ कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं कोई भी फील्ड में मुझे डाल दो मैं उसमें आई कैन बी द बेस्ट, उतना मेरे को अपने अपने पे कॉन्फिडेंस एंड भरोसा है। रही बात कि आपने क्या पूछा था कि आगे के प्लान्स क्या है, अभी ये ब्रांड हम खाली नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी लेके जाना चाहते हैं। अभी तक आई थिंक सो जितने भी आपने देखे होंगे अमेरिकन ब्रांड्स इंडिया में आते होंगे, हमारा फर्स्ट ब्रांड होगा जो इंटरनेशनली जाएगा। और आपको ये गुड न्यूज़ मैं शायद और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा अगले महीने में और वहाँ पे डिस्क्लोज करूँगा ये चीज़। साहिल आपसे बात की जाए, उन्होंने बताया कि जिम की जो यूएसपीज़ हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू से आपका वेंचर है? जी जी नहीं, पहले तो ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ, मेरा प्राइमरी आई एम इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, और जैसे हम लोग बिल्डिंग्स लोगों के लिए घर बनाते थे, तो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि अगर आपको अच्छा घर लेना है, सभी मतलब लोग लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट अपनी डाल देते हैं घर में, बट एट द सेम टाइम वो घर एन्जॉय करने के लिए आपके पास अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो देन देर इज़ नथिंग लेफ्ट, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो देन एवरीथिंग एल्स इज़ ज़ीरो। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसे लगा कि फिटनेस इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ग्रोइंग, बहुत अच्छा ग्रोथ है, लोगों को बहुत अवेयरनेस आ रही है, यंग ओल्ड सबको आजकल लग रहा है कि नहीं कोविड के बाद हेल्थ इज़ अवेयरनेस और हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सब चीज़ों को थोड़े ध्यान में रखते हुए ऐसा लगा कि अभी जिम बिजनेस में एंटर करना है, एंड प्रबोध दादा इज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट, अ ग्रेट मेंटोर, एंड ही इज़ अ पायनियर एंड एन एंटरप्रेन्योर इन दिस इंडस्ट्री, एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव गॉन अहेड विद जोन 360 बैंड्रा। एक इंटरप्ट करना चाहूँगा, जोन 360 की आपने जैसे खासियत पूछी थी, एक सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं रही गया था कि हमने अब पहले 10 साल पहले मतलब सलमान भाई ने और सुनील शेट्टी ने मुझे गाइड किया था एक ही खुद का ब्रांड चालू करने के लिए। पहले मेरे पास एक अमेरिकन फ्रेंचाइजी हुआ करती थी, तो इन दोनों के कहने के ऊपर फिर मैंने नाइट्रो का आविष्कार इन दोनों के वजह से हुआ, तो क्रेडिट गोज टू सलमान भाई हु इनॉग्रेटेड ऑल्सो नाइट्रो एंड कंसेप्टलाइज, एंड मेरे को डिजाइनिंग में भी हेल्प तब अन्ना ने की थी सुनील शेट्टी जी ने। तो उसके बाद अभी लॉकडाउन में मैंने सोचा कि एक ऐसा भी ब्रांड बनाया जाए जो नाइट्रो से मतलब नाइट्रो इज़ वेरी हाई एंड लग्जरी एंड महंगा भी पड़ता है, मतलब 50,000-60,000 मेंबरशिप है, तो जो सामान्य आदमी भी जिस चीज़ का फ़ायदा उठा सके ऐसी भी कोई सुविधाएं फिटनेस देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। कोविड के टाइम पे आपने देखा कि यू नो उसका मेडिसिन कोई नहीं थी, अपनी हेल्थ इम्यूनिटी ही उसका तोड़ता, तो हेल्थ को अपना अगर इम्यूनिटी को अगर बढ़ाना है तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो और मासेस कैसे क्या वो कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए जोन 660 बनाया जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है एंड ये वेरी अफोर्डेबल है, 20,000 रुपीज़ 25,000 रुपीज़ साल की फ़ीस है, मतलब आप महीने में करो तो 2,000 रुपये भी नहीं निकलता है, जो आदमी मतलब कम से कम आई थिंक सो दारू पान बीड़ी में महीने में आई थिंक सो ज़्यादा खर्चा करता होगा, हम 1,500-2,000 रुपये महीने के हिसाब से ये जिम की फ़ीस है। तो ये इस जिम की सबसे बड़ी खासियत है कि इवन मासिस कैन ऑल्सो एन्जॉय दिस जिम। हाँ जी, सी द थिंग इज कि अभी कैसे होता है कि आदमी ने साथ में वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे विचारों का वर्कआउट होता है वो किसी और हायर लेवल पे होता है, तो तो विचारों का वर्कआउट वो हमेशा चलते रहता है, तो उससे बड़ी और कुछ चीज़ हो नहीं सकती।
कांग्रेचुलेशंस आज एकेडमी के अनाउंसमेंट आप करने वाले हैं, टेल अस मोर अबाउट दैट। सो दिस इज अगेन मिस्टर प्रबोध डाकरेज ड्रीम। नाइट्रो इनकॉर्पोरेशन के तहत हम बहुत सारे पैनल्स लॉन्च कर रहे हैं। पहले उन्होंने नाइट्रो फिटनेस लॉन्च किया, उसके बाद द जोन 360, और अब अभी उनका थर्ड ब्रेन चाइल्ड इज द नाइट्रो फिटनेस एकेडमी। ये जो फील्ड है जहाँ पे ट्रेनर्स वगैरह पढ़ते हैं, ये इंडिया में ऑर्गेनाइज फील्ड नहीं है, और आज हेल्थ की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई है कि हमने देखा है कि कोई सर्टिफाइड नहीं हो तो वो उसको हम जिम्मेदारी नहीं दे सकते कि वो अपने लाइफ के साथ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उनकी कंडीशंस क्या है, ये समझने की ताकत किसी ट्रेनर में होनी चाहिए जब वो उनका वर्कआउट लेता है, ताकि वो उस हिसाब से उनका वर्कआउट कस्टमाइज कर सके। इस वजह से नाइट्रो फिटनेस अकेडमी की स्थापना हमने की है एंड वी आर लॉन्चिंग इट टुडे। इस अकेडमी के तहत वी वॉन्ट टू गिव सर्टिफाइड एजुकेशन टू आर ट्रेनर्स हु कैन देन गो अहेड और सब लोगों का वो फिटनेस तरीके से एक सही तरीके से ले सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है इसके पीछे। सो दैट इज़ वाई वी आर लॉन्चिंग नाइट्रो फिटनेस अकेडमी एंड वी आर गोना हैव सर्टिफाइड कोर्सेज जो पर्सनल ट्रेनिंग के होते हैं, ट्रेनिंग के होते हैं और न्यूट्रिशन के होते हैं अंडर दिस अकेडमी। इसमें मैं सॉरी एक ऐड करना चाहूँगा कि ये एकेडमी लॉन्च करने के पीछे भी दो कारण थे। मतलब मैंने स्कूल में पढ़ा था कि अन्न दान से सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का, नॉलेज का, और नॉलेज इज़ द अल्टीमेट पावर। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको फिटनेस के प्रति पैशन है लेकिन सर्टिफिकेशन करने के लिए पैसे नहीं है। तो हमारे एकेडमी हम ऐसे भी करते हैं कि ऐसे लोगों को हम फ्री में ट्रेन कर देते हैं और उनको हम जॉब भी देते हैं। तो तो क्या है कि अगर किसी और फिटनेस एकेडमी अगर किसी जाएगा तो उसके लिए पैसे भरने पड़ेंगे, और आज की फीस भी अराउंड 70,000-80,000 होती है, जो बेचारा वो गरीब लड़का पे नहीं करता। तो हमारी जो एकेडमी है वो रेप्स के साथ भी अभी ज्वाइन हो रही है। रेप्स इज एन यूके में यूके की एक रिकग्नाइज फर्म है रेप्स करके, तो उनको इंटरनेशनली भी जॉब मिल सकता है, और प्लस एट द सेम टाइम आई ऑब्जर्व देम, मतलब मैं उनको अपने इधर जॉब भी देता हूँ बट सर्टिफिकेशन के साथ, मतलब ज्ञान भी देता हूँ और जॉब भी देता हूँ। ये एकेडमी का मूल कारण ये था। लास्ट टाइम मिस्टर वर्ल्ड टेक इन मुंबई आए थे रॉनी कोलमैन, हाँ, 8-time मिस्टर ओलंपिया, तो उनका इंटरव्यू किया था मैंने, तो उन्होंने कहा था नेचुरल चीज इज नॉट ओनली इन इंडिया बेस्ड इन द वर्ल्ड, तो उससे एक्सपेक्टेशन ऑफ पेशेंट बढ़ता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ना, मैंने कभी किसी ने और ने कहा है इसलिए मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस या मेरे पे प्रेशर लिया है, ऐसा कभी नहीं है। मेरा कंपटीशन या मेरा जो मैं खुद हूँ, मतलब मैं अपनी कंपटीशन अपने खुद से ही करता हूँ, किसी के कहने से ना कम पड़ता है ना ज़्यादा चढ़ता है, तो मैं अपने टेम्पो में चलता हूँ। लेकिन कही रही बात कि अभी आपने देखा तब मेरी ब्रिज कैंडी के जिम में आए थे, उसके बाद बनी पवई, मेरी पवई का आप इंटीरियर देखोगे सब वर्षा से फिटिंग्स लिए हैं जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। प्लस मेरे को गवर्नर साहब के पास से भी बेस्ट जिम चेन का अवार्ड मिला, विच इज़ आई थिंक इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो। एट द सेम टाइम आई हैव ऑलवेज गॉट द बेस्ट जिम का अवार्ड इन द कंट्री 4 times इन अ रो, बट इट्स नॉट द अवार्ड मेरे लिए ना, सच्ची बोलो आज की तारीख में ये अवार्ड मायने नहीं रखता है। आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ या जहाँ पे हूँ, मैं सोसाइटी को कुछ देना चाहता हूँ, मैं सोसाइटी में जो गरीब लड़के हैं उनको जॉब देना चाहता हूँ, एडुकेशन देना चाहता हूँ, वो मेरे लिए रियल अवार्ड है कि वो बच्चा कहीं पे आज कहीं पे पहुँच सकता है, मैं उसमें मेरा अवार्ड देखता हूँ। I am really blessed and proud and grateful to be part of this amazing space and to impart the training. I'm a physiotherapist in the fitness world. I've been specializing in the core conditioning, posture alignment, and the finer aspects of training. I have experience in working with the US military in the past. I'm coming from Bosnia. And I am also a master coach, international master coach for free motion fitness, as well as for power plate. And I'm using all that experience to impart the cutting edge and the best training for the trainers who are already best trainers at Zone 360. Now that I've seen this place, I can confidently say that this is one of the best gyms with best and top of the line equipment.
And not only that, the gym is having top of the line equipment, but also latest technologies. FreeMotion has the app called iFit, which enables you very interactive experience and takes you around the world while doing a training. Hoist equipment is the latest in line, using a very slender and slim technology, which still gives you the maximum work. And the training that we are doing is to provide and give the trainers and the clients the best experience, as well as the quickest results. So thank you so much. And again, thank you for having me here. It's a pleasure for having her also. Anything aur kuch puchna chahenge? You're talking about the military training that you've been part of. How do you foresee integrating that here with the trainers from the gym? Well, again, working with military in my past life is a different ball game, because with the military, those are the people who will push further, harder, and sometimes working with the civilian population, right, we need to find the balance between that, so to need to apply a little softer touch, cannot use the same language, but absolutely the same methodology, the same serious approach to it is also going to be part of the training, yes. हम तो जू वाले हैं, हम चाहते हैं जू में ऐसा खुल जाए, लेकिन बैंड्रा वालों के लिए लॉटरी है। मैं कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ वर्कआउट एवरी डे मुझे चाहिए। अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे ऐसे लगता है यार आज का दिन बहुत घटिया गया है। तो इसीलिए हेल्थ इज़ वेल्थ, और अगर आप अपने बॉडी को 30, 40, 50 मिनट नहीं दे सकते तो आई थिंक लाना चाहिए हमारे ऊपर। वी मस्ट डू समथिंग अदर। और आजकल बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाट्स हैपेंड, आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, आ जा भाई, आ जा। ऐसे लोग चाहिए जो फिटनेस को प्रमोट करते हैं, जो फिटनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज फिटनेस ही लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप ओन करेंगे। He's all I can say is he's a lifetime member, and we hope to see him regularly here. Plus, very beautiful, very beautiful. You made a lovely gym. Thank you. Bandra walo, tayar ho jao. One of the best gyms in Mumbai. I think it's wonderful. This building is also superb. Wonderful. Well done. Proud. Any questions? मैं एक टिप देना चाहता हूँ सबको, प्लीज़ अंडरस्टैंड करो, जो बॉडी है हमारी वो एक, जो बोलते हैं टेम्पल बोल लो, जो मर्जी बोल लो, लेकिन बॉडी एक ऐसी मशीनरी है जो कोई भी, इतनी कॉम्प्लेक्स है कोई दुनिया में समझ नहीं सकता, पर आपकी बॉडी आपको कुछ बोलती है। जैसे केके की बॉडी उसको बोल रही थी कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, उसको लग रहा था गड़बड़ है, वो पसीना पहुँच रहा था, तो माइनर उसका हार्ट में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो वो पानी पी रहा है, उसको लग रहा है पब्लिक है। ये एक्टर की लाइफ है, एक्टर, सिंगर, रेसलर, ये लोग की लाइफ है कि जब ये काम में जाते हैं, करोड़ों लोग हैं, तो वो सोचते हैं यार ये पैसे इनसे लिए हैं, हम इनका काम कर रहे हैं, चाहे हमारी तबीयत खराब है हम करेंगे। अगर वो चले जा रहा है हॉस्पिटल तो वो ठीक हो जाता। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो बॉडी है वो आपको एक सिग्नल भेजती है। कोविड में भी बहुत, मैं देख रहा हूँ कोविड लोगों का चले गया, लेकिन वो खांस रहे हैं कई लोग बहुत ज़्यादा, तो उनको गले में 3 दिन के लिए उसे गिल्ला रखना है, स्ट्रिप से हॉल्स खाते रहे, वो खांसी चले जाएगी। तो बहुत ऐसी चीज़ें, अपने बॉडी को प्लीज़ थोड़ा 10-15 मिनट दिया कीजिए रात को सोते टाइम, उससे बात करें, उसे समझाएं कि ये मेरा दर्द हो रहा है, इसको ठीक करना है, तो आपकी बॉडी अपने आप अपने डॉक्टर भेजेगी और उसको ठीक करेगी। दैट्स द पावर ऑफ द बॉडी। इसकी कितनी चीज़ें टूटी हैं अगर मैं पूछना चाहूँ तो, कवर्ड ऑल इज ब्रोकन इन योर बॉडी, दोनों नीज, नेक, लोअर बैक, सब सर्जरी वगैरह। ये रेसलिंग करते हैं जो WWE में बहुत ऊपर नीचे से गिरते हैं, तो इसकी सब चीज़ें टूटी हैं, तो ये हार्डवर्क है जो वापस ठीक करके फिर से रेसलिंग करने तैयार है। तो वैसे ये जिम है, जिम जो है अगर आप इसको अपना थोड़ा टाइम दे सको एवरी डे 45-50 मिनट्स, तो आई थिंक उससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं है। गाड़ी पे खर्चा कर रहे हो, इधर घर में खर्चा कर रहे हो, जहाँ मर्जी कर रहे हो, जिम की मेंबरशिप पे खर्चा बहुत ज़रूरी है। सर, केके को लेके काफ़ी विवाद हो रहा है, उनके डेथ को लेके लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजर के ऊपर सवाल हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी भीड़
नहीं, देखो के अगर चाहता तो वो बोल सकता था, उसको समझ में आ जाता कि मुझे ये माइनर हार्ट अटैक स्टार्ट हुए हैं, तो वो बोल सकता था कि एक्सक्यूज मी आई एम नॉट वेल, सब लोग समझ जाते। सिद्धार्थ का भी ऐसा ही हुआ कि उसको भी हार्ट में आ रहा था लेकिन उसको लगता एसिडिटी हो रही है, तो ये गलत है, थिंकिंग गलत है। सीट का तो बोलता 40 मिनट्स उसको फीलिंग आ रही थी कि हार्ट अटैक आ रहा है लेकिन उसको पता नहीं था, उसको लगता था एसिडिटी हो रही है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, उसका सिग्नल आते, अगर आपकी कुछ आँख खराब हो रही है, कुछ भी खराब हो रहा है, तो आपको सिग्नल देती है पहले, फिर आप उसको नहीं फॉलो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आज यहाँ जिम में आएंगे, इनके ट्रेनर्स हैं, बहुत तगड़े तगड़े ट्रेनर हैं, वो ट्रेनिंग कराते हैं, अब वो ट्रेनर ट्रेंड हैं, बेस्ट ट्रेनर्स हैं, वो ट्रेन करा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी कोई चीज़ से दर्द हो रही है, उसको बोलना है कि बॉस यहाँ मेरे को थोड़ा सा दर्द है, तो वो आपको समझाएगा कि यार ये मतलब किडनी है या लिवर है या किस चीज़ का प्रॉब्लम है, या आप दारू पीते हो नहीं पीते, पूछेगा। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल बट एक्सरसाइज, क्योंकि यही है जो हमें 58 में भी लगा रही है। नहीं, आपको समझना पड़ेगा जब से कोविड आया है बहुत अलग अलग चीज़ें हुई हैं, तो आप इससे पहले ऐसी चीज़ें हमें सुनने नहीं मिलती थी, तो ये जो बीमारी है डेफिनेटली इसका हाथ इन मौतों में है 100%, बिकॉज ऐसे लोग मरने वाले हैं नहीं। के भी बहुत फिट आदमी थे, पर प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये बीमारी इज़ नॉट अ नॉर्मल बीमारी, बहुत दुनिया मरी है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। वो ख़त्म हो चुकी है बीमारी, चले गई है, लेकिन अपने हेल्थ का ख्याल हम खुद रखें। जब हम ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों में जाएँ, थोड़ा स्टीम ले लें, जिम के अंदर स्टीम है, स्टीम में बैठ जाएँ, तो प्लीज़ लुक आफ्टर योर हेल्थ, दैट्स ऑल। देखो ऑनलाइन हो, अब लोग जो घर से बाहर निकलने से पहले डरते थे वो घर पे एक्सरसाइज कर रहे थे, पर अब वो सब खत्म हो चुका है, सबको दोनों वैक्सीन लग गए हैं, सब ठीक है, लेकिन जो इफेक्ट हमें आया है वैक्सीन से आया, कोविड से आया, जिससे भी आया, वो अब चले गया है, उसे दिमाग से निकाल दे, एक्सरसाइज करें, और जिम का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। हम जब घर में एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, लगता है यार ठीक है ना कर ले, या ठीक है यार, पर जब जिम आते हो और दूसरों को एक्सरसाइज करते हो, देखते हो तो लगता है साला वो इतना कर रहा है, आई डू मोर। तो ये जो फिटनेस का जो रुतबा है वो जिम में आके बढ़ता है, घर पे थोड़ा सा कम रहता है। मैं घर में जिम बनाया है, लेकिन जिस दिन मैं घर में एक्सरसाइज करता हूँ डेफिनेटली मैं कम करता हूँ, कि जब मैं जिम जाऊँ ज़्यादा हो। जब तक आप हेल्दी नहीं कुछ नहीं हो सकता है, तो ऑल द बेस्ट टू जोन 360 एंड नाइट्रो फिटनेस। आई रियली बिलीव दैट इन द डेज टू कम द ओनली थिंग वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट इज ऑन आर हेल्थ, बिकॉज इफ यू हैव हेल्थ यू विल हैव हैप्पीनेस, इफ यू हैव हैप्पीनेस देन द वेल्थ यू हैव मेड मेक्स यू हैप्पी। वेल आई थिंक आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट शाइना, you all know she has been a fitness enthusiast, a brand ambassador, and I've always looked forward to all the social initiatives that she has undertaken over the years. So we've been known each other for many years, and I am very happy that she has come here, and I hope that as you know, we can take forward this legacy of health is wealth, and we can contribute in a small way with our gyms towards making this you know, something for all. If I can just add, भूलिएगा मत कि 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और जितने भी जिम्स हैं पूरे मुंबई में, सोनिया आप सबको, निरंजन जी को और प्रबोध जी को, आप सबको यही विनती है कि जितने भी जिम्स हैं, जिम एंथूजियस्ट हैं, भूलिएगा मत कि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे यू मस्ट कम आउट, यू मस्ट सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर्स एंडेवर व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत। और जब आप एक तरफ वेट लिफ्टिंग और ये सब करते हैं, दूसरे तरफ आपको ये भी देखना है कि कैसे हम योग को ना भूलें। माई फिटनेस मंत्रा इज योगा, बट हैविंग सेड दैट,
I do realize the importance of gyms, and the Nitro brand has provided this kind of infrastructure all over Mumbai and across Maharashtra now. So congratulations to the brother sister duo. Thank you so much. मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं मुंबई शहर का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा जिम का ओपनिंग करने के लिए मुझे आज एक यहाँ पे मौका मिला। इसके पहले देवेंद्र जी फडणीस जी और मैं ताड़दो में इस जिम का पहली इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिज कैंडी में, और साउथ बॉम्बे में पहला ऐसा अत्याधुनिक जिम और सभी तरीके से उपयुक्त ऐसा एक मॉडर्नाइज जिम था। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि बांद्रा में सबसे बड़ा जिम बोलकर आज इसको देखा जाएगा, और आज वो आदरणीय अजीत दादा जी के शुभेच्छा से धनंजय मुंडे जी के हस्ते हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोद ने जो काम और कार्य किया एक सोसाइटी, ये प्रोफेशनल को बाजू में रखते हुए भी सोसाइटी में भी एक सामाजिक दृष्टिकोण से नौजवानों को प्रोत्साहन देने का काम वो आज यहाँ पे कर रहे हैं। मैं उनका दिली दौर से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं पूना में भी जाता हूँ तो पूना के हड़पसर जैसे एरिया में भी मैं अभी उनका जिम देखने लग गया हूँ। तो मुझे लगता है उनका रीच मुंबई पुणे और राज्यों में भी बड़े पैमाने के ऊपर होते जा रहा है, और मुझे यकीन है कि आज तो वैसे है ही है पर नंबर वन इंडिया में ये नाइट्रो का ये पूरा फ्रेंचाइजी होगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो नए नए इक्विपमेंट्स को भी लाकर सिर्फ अपने यहाँ तक नहीं लगाने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि बाकी के लोग भी उस इक्विपमेंट में करें, जैसे फ्री मोशन का उन्होंने किया, होस्ट का कर रहे हैं, इसके पहले भी मुझे लगता है जो साइबेक्स का था, और साइबेक्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कस्टमाइज करके उन्होंने लाने का काम किया था, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो मैं उनको दिल दिल से अभिनंदन करता हूँ, और आज सबसे बड़ा बांद्रा का जिम का ओपनिंग आज होने जा रहा है, इस चीज़ का हम अभिनंदन करते हैं, और प्रमोद जी को बहुत ऑल द बेस्ट।
मेरा फिटनेस थोड़ा अभी बढ़ते जा रहा है, इसके लिए मैं ऐसे ऐसे आके इंस्पायर हो रहा हूँ। और आज भी मैंने हमारे एक विधायक थे उनके साथ ट्रेडमिल के ऊपर जाने का काम किया। कल ही मैं और धनंजय मुंडे जी जिनके हस्ते उद्घाटन, हम क्रिकेट की मैच खेल रहे थे साथ में, तो ज़रूर हम लोग इंस्पायर होते हैं ऐसे कार्यक्रम में। और हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको बुलाएं, ताकि राजनीति के बावजूद भी हमारी एक अलग छवि होती है, राजनीति के बावजूद भी एक हमारा एक अलग हॉबी होती है। और उसके हिसाब से मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि नौजवानों में फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एज हो, जो भी फैक्टर हो, जैसे भी वो कर पाएँ, जैसे भी जिस तरह से वो कर पाएँ, क्योंकि हर बॉडी अलग अलग होती है, हर एक का एक डाइट प्लान अलग होता है, अलग का होता है, अपनी बॉडी एक खुद अपना व्यक्ति अपने पहचान सकता है। लेकिन जिम जाना और एक्सरसाइज करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सभी नौजवानों को आह्वान करूँगा, सिर्फ नौजवानों को नहीं, बुजुर्गों को भी आह्वान करूँगा कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं इसके पहले भी मैं बहुत सारे जिमों में मैं जाते आया हूँ, मैं नाम ही लेना है तो रीलोड हो या बहुत हो, लेकिन बांद्रा में और विशेष तौर के मुंबई में इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ को लेकर आप सुबह में भी देखेंगे तो एक एम्बियंस है कि जहाँ हम लोग बाहर भी देख सकेंगे पूरी तरह से उसको 360 डिग्री में, आज लोग घूम सकते हैं, जा सकते हैं। दूसरी बात मुझे जो अहम कहना चाहिए कि इंडिया में और विशेष तौर के मुंबई में स्पिनिंग मशीनें नहीं हैं। मुझे याद है कि पैलेडियम मॉल में मैंने इसका एक ओपनिंग बहुत पहले किया था स्पिनिंग के लिए, वहाँ पे वो प्रोडक्ट का ओपनिंग था, लेकिन स्पिनिंग की भी इन्होंने ब्रिज कैंडी में एक व्यवस्था की। मुझे लगता है यहाँ पे भी वो करना चाह रहे हैं या करने की वो करे, ऐसी हमारी उसको शुभकामनाएं, क्योंकि स्पिनिंग इज ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हुआ है, जो उसमें सब एक्सरसाइज एक साथ में करते हैं। और वो पहली टेक्नोलॉजी विथ म्यूजिक अगर किसने लाने का काम किया होगा तो प्रमोद डावकरे जी ने और नाइट्रो जिम ने किया, ये मैं ऑथेंटिकली मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू। जिम तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं इस फिटनेस सेंटर के उद्घाटन के तौर पे महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद अजीत दादा पवार साहब आने वाले थे, लेकिन किस कारणवश वो आदरणीय पवार साहब के साथ एक मीटिंग में व्यस्त हो गए, इसलिए उन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में उद्घाटन के लिए भेजा। मैं आप सबके सामने आज इस फिटनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ आप सबके लिए ही आज खुला हुआ, एक बहुत बड़ी चैन। ये मुंबई में, थाना में और पुणे में हमारे डॉक्टर साहब ने की है। मुझे अपने आप में एक फख्र महसूस होता है कि क्योंकि निरंजन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस परिवार से मेरा कई सालों से एक अलग रिश्ता रहा है। भले ही आज के प्रोग्राम में उप मुख्यमंत्री महोदय आने वाले थे, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ ऐसा लिखा था कि शायद मैं ही आज इस परिवार, मेरे खुद के परिवार के इस प्रोग्राम में मैं खुद पहुँचूँ। तो आज सबके सामने बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि फिटनेस आप सभी जानते हैं कि क्या मायने रखता है अपने आप में, और आज हर किसी को फिटनेस की ज़रूरत है। और जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे कि मुंबई में हो, ऐसे सेंटर की ज़रूरत है जो एक जगह पे हर फिटनेस की ट्रेनिंग देता हो, और वो नेट्रो फिटनेस सेंटर है। इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद भी होता है, फख्र भी होता है, और आज आपके सामने इसका उद्घाटन हुआ, इसका मैं डिक्लेयर भी करता हूँ। पिछले दो साल में मैं अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले दो साल में जैसे कोविड आया, उस दो बार मैं कोविड का पेशेंट रहा हूँ, पहले फेज़ में भी और सेकंड फेज़ में। इस कारण से मेरा फिटनेस पूरी तरह से, मैं कहता हूँ कि आज मैं किसी भी तरह से अपने आप के फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इतना है कि बचपन से फिटनेस मैं करता था, बहुत अच्छी जिम भी मैंने की हुई है, और दो साल पहले मैं एक घंटे में एक कम से कम 8 किलोमीटर खुद रनिंग भी करता था, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड कुछ है। आज ये देखने के बाद कल से स्टार्ट करेंगे हम, शायद कल से स्टार्ट करेंगे। दिस इज इंस्पायरिंग जी। ब्रिज कैंडी वाला बहुत अच्छा जिम है मेरे नज़दीक।
आई एम थैंकफुल कि आज यू नो ये हमारे घर के सदस्य हैं सब के सब, तो ये आए एंड मैं अभी ईश्वर जी से यही मनोकामना करता हूँ अगले डिप्टी सीएम जी हमारे धनंजय मुंडे जी बने, मैं इनको देखना चाहूँगा, मतलब इट इज़ माई सजेस्टिंग ऐसा कि यू नो कि कभी हमारे भाई जैसे हैं, एल्डर ब्रदर जैसे हैं, तो कभी मेरी मतलब एक मनोइच्छित कामना आज व्यक्त करता हूँ. Yes. Thank you. It's okay. Being launched into the best gym in Bangalore. Thank you so much. Congratulations. Thank you very much for the opening of this such spacious and beautiful gym. It's very well equipped. Thank you. And I'll definitely see you here. All the best. Congratulations. Thank you very much. What is your fitness mantra? My fitness mantra is consistency. It doesn't matter how unmotivated or motivated you feel, because fitness does not depend upon motivation. If you go with motivation, then you'll never do anything, because motivation is like mood. Sometimes you're in a good mood, sometimes you're in a bad mood. But consistency and discipline, that is what matters for fitness. So yeah. जिंदगी का जो डिसिप्लिन आता है
कहीं ना कहीं वो फिटनेस द्वारा बहुत ज़्यादा आता है. सो आई प्रमोट नॉट ओनली फॉर किड्स बट राइट फ्रॉम टीनेजर्स टू पीपल हु आर इन देयर 30s, 40s एंड ऑल्सो सीनियर सिटीजन्स, बिकॉज वंस यू आर towards your end of your life, it is a new beginning, as they say, because now people talk about, you know, 40s and 50s, the new, you know, smashing ages where people are into new, you know, new profession, they are looking for new breath of life. So, mujhe lagta hai, sabhi kuch fitness related hai, and today I'm very, very glad that Pawan has invited me here and this beautiful gym. The Z1 360 degree, I think everybody should just throng here and start their fitness regime from day one. Thank you. Same. Thank you. I thank you, Parul, for inviting me here, and we are Facebook friends, so naturally she has seen lots of videos, and during pandemic I had uploaded maximum home workouts and personal training videos and all on my Facebook page and on my Insta page and YouTube and everywhere. I believe age is no bar, age is just a number, and it is being proved worldwide that 60s and 70s and 80s people are competing into IFBB competition, world championship competition. Their bodies are so wonderful. The women, they are doing marvelous work. There are multiple complex issues which women suffer because of heavy weight, fat issues, and skin and hair and everything. Once you fall into a fitness regime, you have to make fitness a lifestyle. It's not like one day thing, like you decide ki haan aaj mere shaadi hai so December ke liye main May mahine se shuru ho jati hu, 6 mahina gym join karungi, shaadi attend karungi, back to pavilion. No, you have to do it every day consistently. I am a black belt in Uchiyo style and Shotokan style. I've been practicing my karate since the standard 8th standard, and I have followed this. I have imbibed these habits in my children also, and wherever I go, I put this fitness thing first, and I believe in motivating people, and I believe that fitness has to be the way of life. It's not just fashion, it's the life. Thank you. As she said, yeah, thank you for it. Fitness has to be part of your lifestyle. It just demands 1 hour a day. Generally people say, I don't have time, I'm working hard. It just demands 1 hour a day. You have to dedicate to that. And as she said, age has nothing to do with fitness. And if people come to know my age, they'll be shocked. So you have to be part of fitness from a very young age and maintain it. And I love to eat everything, so I have to sleep. I have to work out harder. Actually, fitness se kya ho jata hai? You reverse into your age. When you are fit, you are taking care of your skin and health. You look younger and in 20s, so that helps. I am like in between both of them, so they have left with no words for me. Both the sides. I complimented the way you were dressed and the way you carry yourself. I think that's such a big part of fitness. Yes, right? Because like fitness is actually one of the things, and I'm a classical dancer. They both are karate legends. So, but I'm as equally classical dancer. So I also follow fitness in the dance form. And now because there's no time for me to practice dance, so I do hit gyms and jog and run and bicycle and whatever possible way. Yeah, I do take out 1 hour time for myself. Mm-hmm. And I do. And any guess what is my age, please? 20. As he told, yes. Any guess, please? 25. No, itna bhi nahi hu. Please, please. Or Wikipedia, Google, bolna mat. So this shows fitness. So yes, please do.
And if possible, please join this. Yes. Yeah. Oh my God. I can't talk because I'm not any of these people here. I'm not. You know, like regime, and I think fitness is something to do with, like, it's a part of breathing. And just like we brush, you know, I don't have fitness. But I love yoga. I love dancing. To push for 3 weeks, then 3 months. Once you cross the period of 3 months, then you know. Actually, it is the cycle of 21 days. Yeah. Then you 21 days if you are able to consistently do it. 21 days. Any habit, you can change it. You can. You're drinking, you're smoking, your lifestyle, you're eating sweets, or late utna. सबसे best fitness tips मैं आपको दूंगी. अगर आप sunrise से पहले उठते हैं. सुबह सनराइज 6 टू इवनिंग 6, इसके बीच में आपको जो भी खाना है खा लीजिए. शाम हो जाने के बाद खाना बंद कर दीजिए, तो आपका नेचुरली हेल्थ आपके कंट्रोल में रहेगा. दैट्स द की. थैंक यू सोहेल भाई. मतलब डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन. इट्स लाइक आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड दैट यू नो समबडी फ्रॉम द खान फैमिली इज देयर. आई एम मोर देन हैप्पी. Oh, and bhai would have been there, but he's in Abu Dhabi. He's gone for IFA. And the relationship that we have come a very long way. Matlab, Taukari uncle and dad have been friends since very long. Very long. And I know this family, and especially this boy. ये खुद इतना हेल्थ और फिटनेस का फ्रीक है कि यार इसका तो हक बनता है ये जिम खोलने का. So I'm very happy and proud that he's opened this gym, and Bandra has got another place to come and work out, and for the youth to get fit. Nothing better than that. So in such an attitude yourself for working out, the space, the entire class, 360 degree view, what do you have to say about that? No, it's lovely. In fact, it's very alive. So you come and you spend a few hours of your life in the gym. And for me, you know, a lot of people say bodybuilding, ye wo. देखो इस उम्र में कोई स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेला नहीं जाता. गारंटीड इंजरी होने वाली है. जो भी थोड़ा टाइम होता है आगे थोड़ा सा वो अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता है, ये दर्द होता है, वो दर्द होता है, फिर बैठे हुए लेटे हुए रात को. ये जो जितना होता है उतना करो, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. You know, I transform it. Makes a lot of difference. Like, I've lost right now as we speak about fitness. Of course, next to Sohel Bhai and the entire Khan family, next to Prabodh, it's a little difficult to even open your mouth in comparison to fitness. But they are the pioneers, they are the inspirations that we've all kind of come down from. But for me, fitness is about a lot to do with mental health, with a lot to do with, you know, your body in sync with your mind. So I keep transforming my body just for my films. I was about 18 kgs higher than this right now as we speak, just about by till October. If I show you a before and after, you won't believe that that was me. Sure. You won't see. It's very inspiring. Yeah, you must. Because he's right now looking like a college boy, no? Like, I've been dying to lose the weight. Yeah, you can't. You, once you please. You want to lose weight from? Okay, that's before. Oh my. And that's now. But you must pose as a like a before and after. Yeah. No, that is real inspiration. I'm not going to even compare, but thoda bahut hai. I think very honored that you're here at Zone 360. I think for us it's a big moment that you have boys who not just engage with their audience through their characters but through their fitness as well, because when you walk in, you actually are an institution in itself of fitness. So would you agree with that? Of course.
course. Like, you know, see, like, everybody knows, like, I think so fitness runs in their entire family. I would also say, like, even Salim uncle, I think so, you know, like, yeah, he's also, I had taken the liberty to talk about my uncle also is, I think so, equally fit at this age also. Gotcha. And I think so, even early morning, I think so, or this thing, he's still into fitness and he does little workout and morning walks or whatever in fitness, let's say. So I think it runs in their family only. Yeah, so, in fact, you guys are like the film family only to us. So dad was, he's so obsessed even at this age. जब कोविड फैलने लगा था सो ही इज अ मैन हु डज इज वॉकिंग आई रिमेंबर ही गेट स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग फॉर अ वॉक एंड समबडी पुट ऑन टू सोशल मीडिया दैट पूरी दुनिया को बंद करके रखा है एंड सलीम साहब इज स्टिल वॉकिंग सो ही स्टार्ट वॉकिंग द ही वॉज एट दैट टाइम ही वॉज 83 एंड He meant no offense, he meant no harm to anybody, he used to walk alone. But that man was restricted to his house to walk. And we felt so bad at that time that, you know, that as Pramod said that he was one man who is our inspiration. Watching him, he still does his, so he used to walk 2 kilometers continuously, then he started breaking his walk to one round, then he started breaking his walk because of age factor, then he started breaking his, then there was there's a bench in the center of bandstand where he goes and he sits and now he walks. So to restrict him, you know, just to walk at home, When I should go there. What is of you, Uncle Marvenge? And that is the fact that I've never seen someone with a better posture. He sits straight as I've had the pleasure of having a meal with your family next to you. No, actually, And the other thing, I think he can beat me in RJ. He is such a good speaker and storyteller. At this point, of course he is. Yeah, he's obviously. Yeah, I'm just saying, even in conversation, like, he's just fantastic. We're so honored to have both of you here. Thank Please, you. May I request Sonia to, you know, like, Fitness Academy. To nawaze ki aap yahan aaye hain aur aaj hamare beech hain and this is the moment for us to treasure and thank you forever unveiling of the Fitness Academy. Can I just So like I mentioned before, Nitro Fitness or Nitro Incorporation for that matter has now forayed into the academy that is the educational for trainers and everything. So we would like to take this opportunity to launch our Fitness Academy. We have with us Dr. Pense, who will just tell 4 lines about our Nitro Fitness Academy. जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ wherever I go, कॉफ़ी शॉप रूम स्विमिंग पूल कहाँ भी देखने से पहले मैं रिसेप्शन पे जाके पूछता हूँ क्या कैन आई गो टू द जिम तो मैं पहले जिम में जाता एंड आई फील दैट वेरी होमली एट अ जिम दैट बिकम्स माई स्पेस लोग बोलते हैं क्या नहीं वो अगर आपने किसी से पूछा अरे एक्सरसाइज करता है नहीं नहीं यार कुछ महीने हो गए हफ्ते हो गए कि मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है मैं तो खुला बोलता हूँ कि मैं जिम से आ रहा हूँ आई प्रमोट वर्किंग आउट आप नहीं भी बोलोगे तो भी लगता है तो आई लव प्रमोटिंग फिटनेस जिम्स आई फील दैट इज द ओनली थिंग दैट keeps the kids away from all the vices. मैं तो हर बच्चों को बोलता हूँ कि जाओ जिम जाओ एक्सरसाइज करो हाँ थोड़ा डोंट गेट कैरिड अवे जो अपने औकात के हिसाब से इंजरी से थोड़ा दूर रहो बिकॉज kids tend to this is where education comes in where kids can get educated because we are not professional bodybuilders and
we have to just take care of ourselves. And that's why when we were just talking about regarding dad, ki daddy ko bhi ghar se bahar nikalna, walks pe jana, exercise karna, unko abhi tak wo shauk hai. Aur wo shauk Salman bhai mein aaya hai, wo Arbaaz bhai mein itna nahi aaya hai, lekin wo mere mein aa gaya, sabke bachchon mein aa gaya hai. And it's a beautiful space to be in. So when I enter a gym or any fitness academy center, agar main thoda padhta bhi hun to main mujhe actually itna padhne ka shauk hai nahi, lekin jo bhi main thoda bahut padhta hun, so it's only got to do with fitness. So I'm really happy that and I'm very biased towards Bandra. So Bandra has the best gym in hands down, which I can see. Aur main gym jata hu, matlab main gym jata hu sirf dekhne ke liye ki ab inka equipment kaisa hai, inke trainers kaise hai. I am somebody, jab I out of the way, if I feel with my experience kya koi bachcha ya koi galat bhi kar raha hai to bhi sometimes shy away from going and telling them, and even I keep an open ear. Any trainer, any person, I allow them to come and tell me that agar mera posture galat hai ya agar meri training galat hai. So education regarding even supplements is very necessary. Like for me, I used to be on a high protein diet, and protein is not suit me. It doesn't go with my body type, it doesn't go with my blood group, and I should get water retention, I should get bloatiness. So when people say that yaar suddenly tu 6-8 mahine mein itna fit ho gaya, actually maine protein chhod diya because it is not suit me. And people say nahi jhoot bol raha hai, no, carb suit me, fat suits me, protein doesn't suit my blood type. So it all depends on education. You have to educate yourself regarding yourself, what you're capable of doing, and just do that. Zyada kuch isme actually so science has said. Yes. Yeah, it's very scientific. It is. It's very scientific. From Bandra, so where it is. No, but I still vouch for the fact that this is the best Bandra or wherever. But I'm a townie, but I'm a very big Nitro loyalist and Nitro fan. Thank you. And to be honest, you know, Sohail bhai is talking about Salim uncle and the family on fitness. He is the reason behind my father getting out finally to a gym and trying to get fit. Yeah. So I think if any man can inspire another human being towards fitness, that in itself is quite an achievement. And my father, like everyone would know, you know, is not the most iconic physique for fitness, but he's now on his path. He's 72 plus, and he's working out very strong. And I think the inception or the thought behind it was because of this man, and he gave us, you know, so much love and care and guidance and education, like Sohail bhai was saying, at his gym at Nitro and at Breach Candy. So it's needless to say, I think whichever part of the world Nitro will be at, it's always going to be the best. So yes, of course, Bandra has an emotional cord ringing with Sohail bhai, and all of us are we love Bandra. I'm not very far, I'm just one ceiling away. And so I think it definitely has to happen. How did you feel walking in today, considering in Bandra to feel space is such a unique thing, right? Like Yeah, completely. I personally feel that to have this kind of space, the crowd out here, okay, let's put it this way. Maybe I think why Bandra happens to be the best, because though there is a ceiling gap, I still feel that the most fit people are in Bandra. They're very health conscious out here. Townies, yes, I'm a townie again. I'm not. Now they're getting into that space, but Bandra has to be the you know, the brand ambassadors of all the fitness freaks out here. So I guess the gym is fantastic. It's spectacular. And of course, with Nitro, when it's synonymous with Nitro, you can't have a gym which is
small when it comes to the name Nitro. All his gyms are magnanimous and they're massive, and he caters to all, you know. In fact, this gym, he was telling me when I walked in, that is really affordable for people. And I said, I can't even make the difference between a Nitro, which is of a certain super luxury gym that he calls it. हम तो opening के लिए आ गए, आपने कोई free में बचा? हम तो opening के लिए आ गए, आपने कोई at least आ गए okay. घर के लोगों को क्या free में बचे, तो इन्हीं का gym है. You are the fittest hairstylist in the country. Rather, I clap for you and I salute you. You're awesome. Feel of this gym and what do you feel being here today with us and this opening? Let me tell you, I'm a big fan of this man. First I saw Nitro in Pune city and it happened to be very close to my salon in Pune. और जब मैं वहाँ से गुजर रहा था मैंने देखा नाइट्रो टू लाइट लगी थी, जब श्याम मैंने है क्या, फिर मैं इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे गया देखने के लिए कि नाइट्रो जिम के मैंने सबसे पहले आज की तारीख बाद में स्टॉक करता है कि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो देखो पहले कि इंस्टाग्राम हैंडल पे इनके वीडियोज़ क्या है. तो जब मैंने देखा तो मैं पागल हो गया, मैंने कि मैंने वाओ, मैंने दिस काइंड ऑफ जिम इन इंडिया इट्स इनसेन, द काइंड ऑफ स्टफ ही हैड, द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, इट वॉज लाइक luxurious gym, yet it was so approachable. Yes, you know, so it's very important how you having such expensive stuff, such top of the line stuff, yet it's so approachable. तो ये इनकी एक हैरत है कि यू नो ये भी जो मैं देखा मैंने अभी जाके कोने कोने में कि everything looks very approachable and his humbleness is like he's so humble about things, he will make sure that things happen to you, you know. तो ये हमेशा ख्याल रखते हैं लोगों का, अपने क्लाइंट्स का, अपने जिम का, और हमेशा ये नई चीज़ करना चाहते हैं. जो पवई में भी जो उन्होंने किया वो भी टॉप ऑफ द लाइन है. आप वहाँ पवई का भी जब नाइट में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया हो, क्योंकि ये अब्रॉड ही इस तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जिम बनाए जाते हैं और ये बहुत पैशनेटली करते हैं अपना काम. एंड आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली दैट हाउ पैशनेट ही इज अबाउट जिम एंड यू नो ही वॉन्ट्स एवरीबडी टू बी फिट. एंड मैं अगर एस्थेटिक्स की बात करूँ तो एस्थेटिकली ये इतना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है कि आप जब अंदर आते हो तो आपको घर जाने का मन नहीं करता. तो एस्थेटिक्स, मैं एस्थेटिक्स वाला इंसान हूँ, क्योंकि मुझे ब्यूटी पसंद है, मुझे फैशन पसंद है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव जिम. Yeah, I think now the most important thing has become, you know, having a spacious environment. So even if you are in a workspace or you're working out in the gym, everybody wants that kind of leisure atmosphere. And I think that's what we're trying to create with Nitro and the Zone 360 also. 24/7. So the other facility that we are going to provide is that we are going to be 24 hours, 24/7. Oh, wow. Reason for that is that especially for Salman bhai, because I bhai and हमारे दूसरे और एक ये है बाबा, बाबा का भी टाइम, तो आई वांटेड टू गो एंड इनवाइट हिम आल्सो, बट आई थिंक सो ही इज आल्सो इन दुबई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो आई से थैंक्स टू यू गाइस, आई थिंक मुंबई इज 24/7 इज गोइंग टू टेक अ किक स्टार्ट. थैंक्स, या एब्सोल्युटली, थैंक्स टू द Zone 360. व्हाट यू वांट टू से प्रभु बिफोर वी Nothing. I am actually today very honored and this thing, you know, somebody from the Khan family is there with me, especially my favorite Sohail bhai is there and my very close friend and who I really respect and love also, Neil bhai. So, you know, with both of these two today, like I think my opening has been, an inauguration has been a very success. And I'm very sure in the future also, we all will be like seeing both of their films also doing very well and a very big success with all our hearts and from our, this thing I wish. That there are more chances of your gym being better. Well, whether it's the Academy or whether it's Zone 360, I wish you all well. What a beautiful family you all have, and the fact that you give back to society. God bless you all. Thank you for having us. Thank you everyone from India for being here. May we have all of you stand up for a quick picture for all media, please. We used to go to Nitro Beach Candy, then last time he invited me to Powai, so it got a little better. Though I love Beach Candy, it's absolutely fabulous. And then now this seems like really happening and upbeat. For me, basically, of course I have a gym at home, so I work out mostly in the house. But
to get out is to feel, to get the vibe, to get a good ambience, get a good atmosphere, to feel more like motivated to work out. So this atmosphere is brilliant. So I love the way that his gyms are done up. It's like so vibrant, youthful, and it's makes you feel like working out. So I think it's really a good energy. Yeah. So what's your fitness routine? Basically, what I say is that I, of course, I do more weight training than anything else, but anything you do is consistency. So I've been working out for more than 2 decades now. So for me, the main thing is to be consistent. Some people go yo-yo, they work out every day and then they keep taking breaks. So do what you can, but over long term. So and with fitness, of course, your diet and your health, everything is important. Otherwise, it doesn't complete. The circuit is never complete. So eat healthy and be healthy and do everything in limitation. Everything extreme, anything extreme doesn't make sense. So what's that one advice that you'd like to give out to people who are striving to stay fit and getting so much pressure on that? So I think fitness, besides aesthetically complimenting you and giving you a lot of self-confidence, I think it also helps you focus. There's a lot of time when you feel lethargic or negative in life, and it's all scientifically proven that you have endorphins which release when you work out. So a lot of time when you're stressed, you go to the gym and you start working out. 10 minutes you're feeling lazy and you feel, oh, we'll do it later. But when you're in the middle of a workout, you start feeling good. You start feeling good, and when you come out of the gym, you're like, whatever stress has turned into a nice smile. So for the youth, I think it's the best mantra for overall success in whatever they're doing. Of course, aesthetically it makes you look good, but it also makes you feel better, focused. It makes you get dedicated to different things in life, so it helps your professional life as well. So I think it's a 360 degree, the name of this gym. Yeah. So it's 360 degrees development of your personality and everything else. Thank you, sir. Thank you. I guess apart from physical fitness, the mental strength is very important, because until and unless you have mental strength, you won't be able to lift, you won't be able to work out. And routine is the most important thing when it comes to eating on time, because just before your gym, I've seen a lot of people, they take pre-meals just before the workout, which is very wrong. I guess there should be a break of an hour or probably 2 hours, because pre-workout meal, that is carbs, which gives you energy, which gives you strength. And then sleeping on time is a lot more important. So yeah, I guess mental strength is very important for physical workout. I love the gym. I mean, the vibe, the space, and I guess this is the best gym I've seen in Mumbai. So the 360 view, it's super. I would love to come here. I don't mind traveling all the time. Sure, yeah. We are open 24/7, so you can come down even with your busy schedule in the night. That's great. I love the gym. Super. Thank you so much. It doesn't look like a gym, it looks like a club actually. So a huge congratulations on that. This is huge, the name is perfect, and it gives a feeling of club. Aap yahan pe ek disc bhi bana lo to perfect all combination ho jayega. It's beautiful, it's brilliant. I loved it. Honestly bolu to mujhe na gym se thodi allergy thi, but ye gym dekhne ke baad ऐसा लग रहा है मुझे मोटिवेशन आ गया. मैंने 10 सालों में जिम नहीं किया है, पर इसके बाद मुझे लग रहा है कि आई विल स्टार्ट डूइंग जिमिंग, बिकॉज फीलिंग बहुत अच्छी है. और जैसे इसका नाम है, मतलब काफ़ी फील गुड फील होता है. सो इट्स वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट. Thank you so much, and I think I am really honored to be in a place like this. जैसे कृष्णा ने बताया कि अभी यू नो फॉर जैसे किसी एल्कोहलिक के लिए ना नया पब खुलता है तो डिलाइट होती है, वैसे ही किसी वर्कआउट हॉलिक के लिए जब ऐसे नया जिम खुलता है ना तो अंदर ही अलग, बिकॉज वी लिव इन आर जिम्स यार. दी फिटनेस इज लाइफ, एंड फॉर अस दिस प्लेस हैज कम एज अ बून. एक लग ही नहीं रहा कि मुंबई में बैठे हुए हैं और इतनी स्पेशियस क्या,
and I was looking at the equipment outside. So awesome. Absolutely state of the art equipment. I have worked out all my life. Since last 30 years I've been working out. Aur main to kehta hu ki this is going to be the in place. Bhale koi celebrity ho ya koi aam insaan ho, this is the place. Agar aap serious hai apne fitness ke liye, the equipment outside ek baar aap jab dekhoge to uske baad I doubt you will think twice. Congratulations. Thank you. Brilliant. I've been working out so many years in different gym all over the world also. This is a different my dad said Krishna ke club ka feel aata hai. So workout karo raat ko bolne ke convert into a club after 10 11 o'clock. So more business goes away. So fit and fitness and plus enjoyment also. So very feel good factor, positive vibes hai, and then you feel like coming again and again. Aisa nahi ki tired also uske baad bhi karte na din din nahi jana hai. At least this gym motivates to come and work out. So congratulations, hope it does well, and I'm sure Bandra is the best place, you have the best spot, yeah. And it will go very well. Thank you so much.